रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डेकहा मोहल्ले में उस वक्त जमकर बवाल मच गया जब एक मजदूर पर मेडिकल स्टोर के सुरक्षा गार्ड ने हमला कर दिया। हमले में मजदूर का सर फट गया और वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद गुस्साए अन्य मजदूरों ने चौराहे पर चक्का जाम करते हुए मेडिकल स्टोर पर जमकर पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना में मजदूरों ने एक कार को आग के हवाले भी कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को काबू करने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित मजदूरों की भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मौके से कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया। ठेका तिराज थाना सिविल लाइन क्षेत्र का आता है और यहाँ पे मजदूर लोग इकट्ठा होते हैं, जिसमें जिनको आवश्यकता होती है वो मजदूरों को लेकर आते हैं कार्य के लिए। तो यहाँ पे करीब 250-300 की संख्या में उपस्थित थे। मॉर्निंग में एक विवाद हुआ सिक्योरिटी गार्ड मजदूर के बीच में, जिसमें मजदूर को शार्प ऑब्जेक्ट से चोट लगी है, और जिसके बाद जो यहाँ उपस्थित 250-300 मजदूर थे और जो आ रहे थे करीब 400-500 फिर वो हो गए थे। उन्होंने पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर क्रिएट कर दी थी और उन्होंने पत्थर भी चलाए हैं और दुकान को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, गाड़ी को भी उन्होंने जलाया है। और हमारी पुलिस जब स्टार्टिंग में समझाइश के लिए गई थी तो उसके साथ भी झूमा झटकी करके उनके साथ भी मारपीट की है, जिसमें हमारे कुछ थाना प्रभारी को भी चोट लगी है, कुछ पुलिस बल को भी चोट लगी है। अभी वर्तमान में स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है अतिरिक्त बल बुला के, और सीसीटीवी फुटेज और कैमरे रिकॉर्डिंग के आधार पर जो लोग भी चिन्हित पाए जाएंगे।